सीमुख, कुछ किए बिना उसका भी अंत हो गया। नहीं नहीं, नहीं। ये अंत नहीं है युद्ध का, ये युद्ध का अंत कल मैं स्वयं करूंगा। निर्णायक युद्ध होगा कल, जहां देवताओं की पराजय और असुरों की विजय होगी। प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्रों का, अपने भ्राता का। क्षमा नहीं, दया नहीं, बस क्रोध। बस अब हमारे क्रोध का सामना करना होगा असुर माता सुरासई को। संपन्न होने को है मेरा यज्ञ, जो मृत है वो भी जीवित हो उठेंगे। कैसा है ये युद्ध, जो एक एक करके सारे कुलदीपकों को बुझाता चला जा रहा है। मेरे पुत्र, अब कैसे वापस बुलाऊं तुम्हें? स्वामी, आपने कहा था विजयी होंगे आप, तो क्यों चले गए मुझे छोड़कर? लौट आइए स्वामी, अपनी विभूति के निकट। ना ही ये अनावश्यक युद्ध होता और ना ही हमारे स्वजनों का इस प्रकार वध होता और ना ही उन्हें जीवित करने हेतु यज्ञ करना पड़ता। इनका ये रोना धोना माँ के ध्यान को भंग करेगा। रुक जाओ, माँ के यज्ञ में अवरोध उत्पन्न मत करो। हमें मत रोकिए, एक एक अंतिम बार अपने पुत्र को देख लेने दीजिए ना। बस बंद करो अपना रोना,
यहाँ पे कोई मृत नहीं है। माँ का यज्ञ संपूर्ण होते ही ये दोनों ही नहीं किंतु सभी असुर योद्धा जीवित हो जाएंगे, इसीलिए उनके यज्ञ में बाधा मत बनो। जाओ यहाँ से, कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। सफल हो रहा है माँ का यज्ञ। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने सभी योद्धा खो चुका है सुरापतमन। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कल रणभूमि में वो स्वयं उतरने के लिए विवश हो जाएगा, किंतु इस बार वो बिना तैयारी के कदापि नहीं आएगा। गणेश का ध्यान कहाँ है? माया सुरा से मृत संजीवनी यज्ञ कर रही है, अर्थात सभी मृत असुरों को कल के युद्ध के लिए पुनः जीवित कर रही है। कल इस युद्ध का अंत होगा और विजय हम असुरों की होगी और एक नवीन इतिहास की रचना होगी। सुरासई का ये यज्ञ यदि सफल हो गया तो घोर अनिष्ट होगा, और जो असुर पहले ही अपने प्राण खो चुके हैं उन्हें भला कैसे आहत किया जा सकता है। इसलिए समय रहते हमें इस यज्ञ को रोकना ही होगा। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, यदि आपका ये भक्त इस अनैतिक यज्ञ को रोक सकता तो अवश्य इसे रोककर आपका सहायक बनता। अनुज गणेश, इस यज्ञ का रुकना अनिवार्य है। हमें कुछ भी करके इस यज्ञ को रोकना ही होगा। तो प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी जाकर इसे रोक देता हूँ। नहीं नहीं वीर बाबूजी, माता सुरासई के यज्ञ को रोकना कदाचित आपके लिए संभव नहीं है। इस यज्ञ के लिए उन्हें वरदान प्राप्त है जिसके अनुसार धरती पर माता आदि शक्ति के वर्तमान अवतार द्वारा ही माँ माया के इस मृत संजीवनी व्रत को खंडित किया जाना संभव है, और वो भी तब जब दिन में भी रात जैसा अंधकार होगा। इसी कारण जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता माता सुरासई महेंद्रपुरी के आकाश में रात नहीं होने देंगी। इस समय तो धरती पर माता का कोई भी वर्तमान अवतार नहीं। क्या माया सुरासई सफल हो जाएगी? क्या उसके अधार्मिक यज्ञ को रोका नहीं जा सकता? यदि उसे रोकेंगे भी तो उसे रोकने में सामर्थ्य रखने वाला वो कौन होगा? संकट है ये मानता हूँ, किंतु संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान नहीं। समस्या का हल भी समस्या की जड़ में ही छिपा होता है। इसका हल अवश्य महेंद्रपुरी में ही होगा। मुझे अनुमति दें भ्राता। अवश्य गणेश। ओम सुब्रमण्यम स्वामी प्रभु कार्तिकेय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दिव्य शीतल पवन प्रभु का संकेत है।
प्रभु गणेश जी, प्रभु 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 अभी तो यहीं थे, तो फिर कहाँ चले गए? मेरे प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक है, तो फिर मुझे क्या चिंता? महेंद्रपुरी में वहाँ कौन है जो हमारा साथ देगा, और कौन है वो जो इस कठिन कार्य को संपन्न करेगा? जयंत, वहां तो मेरा पुत्र जयंत है। किंतु वो तो बंदी है, और एक अकेले बालक के लिए इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करना कठिन होगा। फिर ऐसा कौन है प्रभु जो माया सुरासई को रोक सके? जयंत अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। आपकी पुत्री देवी पद्म कोमल और यमराज की पुत्री देवी विभूति। माताओ, स्वामी को जयंत कारागार के बाहर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। आप दोनों को ही साहस करना होगा, प्रभु पर विश्वास रख आगे बढ़ना होगा, इस यज्ञ को रोकना होगा। जयंत यहाँ कैसे? स्वामी ने तुम्हें देख लिया तो भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? क्या तुम स्वामी के क्रोध से परिचित नहीं? प्रश्न ये नहीं माता कि मैं यहाँ क्यों और यहाँ मेरी सुरक्षा कैसे होती है, प्रश्न तो ये है कि असुर सैनिकों से सुरक्षित उस कारागार से निकल के मैं यहाँ पहुँचा कैसे? स्वयं प्रभु श्री गणेश जी ने मेरी सहायता की, उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया। किंतु इस प्रकार यदि किसी ने यहाँ तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं माताओं, अनर्थ तो तब होगा यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया। कदाचित इसलिए प्रभु श्री गणेश जी ने मुझे आपके निकट भेजा है, क्योंकि आप दोनों ही इस यज्ञ को रोक सकती है। हम दोनों? वो दोनों ऐसा कैसे कर सकती है? वो माता आदि शक्ति नहीं है। उन दोनों में ही नहीं अजामुखी जी, प्रत्येक नारी में माता आदि शक्ति का अंश है, इसलिए वो दोनों ही नहीं अपितु आप भी माता आदि शक्ति की स्वरूप हैं। मैं तो असुर कन्या हूँ। मैं भी नारी, आसुरी, दैवीय या साधारण हो, माता उनमें कोई भेद नहीं करती, उनकी कृपा दृष्टि सभी पर समान रूप से रहती है। सत्य तो ये है कि नारी रूप प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि प्रत्येक नारी माता आदि शक्ति की प्रतिरूप है। रूप भिन्न हो सकते हैं, किंतु शक्ति एक है, माता आदि शक्ति की शक्ति। आप ही माता आदि शक्ति की अवतार है। यदि तुम्हारे ये वचन सत्य भी है तो भी हम इस यज्ञ को क्यों रोकें, जिसकी सफलता से मुझे मेरे पुत्र मिलेंगे, जिन्हें मैंने युद्ध में खो दिया है, और मुझे मेरे सुहाग का सौभाग्य। अवैदिक यज्ञ से जो भी प्राप्त होगा
वो प्राकृतिक नहीं होगा, मृत्यु से भी भयंकर जीवन होगा उनका। प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी, अत्यंत विकृत, भयंकर, वो बस भक्षण करेंगे, अन्य सभी का ही नहीं, एक दूसरे का भी भक्षण। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। यदि यज्ञ पूर्ण हुआ तो फिर आपके इन प्रियजनों को वो भी प्राप्त नहीं होगा जिसके अब ये अधिकारी है, मुक्ति के, मोक्ष के। नहीं, हम उनकी पीड़ा का कारण नहीं बन सकती। आप उनकी सहायता कीजिए। तुम दोनों को जाने का आदेश दिया था मैंने। जाने का आदेश दिया था ना मैं, फिर भी यहां रुकने का दुस्साहस कर रही हो। किसे छुपा रही हो अपने पीछे? सुना नहीं तुम दोनों ने? हटो मेरे सामने से। पे तो कोई नहीं है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हुआ था? हमें निद्रा कैसे आ गई? शीघ्र देखो, कारागार में सब उचित तो है ना? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरा आदेश ठीक से सुना नहीं तुमने? जाओ, कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। क्योंकि कल जो युद्ध में होगा उसकी तो कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पुत्र सुरापद्मा, पुत्र सुरापद्मा, कल का युद्ध तुम्हें करना है, किंतु पूरी तैयारी के साथ, ताकि तुम अपनी माँ का मान रख सको। उस कार्तिकेय ने मेरे आंचल से तुम्हारे पुत्र, मेरे पुत्रों को छीन कर मेरे हृदय को छन्नी कर दिया है। इसलिए पुत्र जाओ, तुम्हारी मृत्यु स्वीकार कर लूंगी मैं, किंतु पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र, ना लौटना पुत्र, ना लौटना पुत्र।
राजभवन का सुख त्यागा, कठोर परिश्रम कर गुरु शुक्राचार्य से माया की शिक्षा प्राप्त की, किसी राजा की पत्नी न बनकर एक वृद्ध ऋषि को अपना पति बनाया। किसके लिए? तुम सबके लिए, ताकि उसके तपोबल से तुम जैसी संतानें प्राप्त हो जो अत्यंत बलशाली हो, जिन्हें किसी के भी सामने झुकने पर कभी विवश न होना पड़े। माँ की इच्छा पूर्ण करना तो हर बेटे का कर्तव्य होता है। फिर मैं तो असुर सम्राट सुरापद्मन, जिस माँ ने हमारे लिए इतने त्याग, इतने कष्ट सहे, उन पे और कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लूंगा। जाने से पहले मैं शिवाराधना करूंगा, स्मरण कराऊंगा महादेव को कि उन्होंने अजय होने का वरदान दिया था, अजय होने की अनुमति दीजिए हमें। तो अब यज्ञ रोकने का दायित्व दोनों देव पुत्रियां ही निभाएंगी, और हम सब यहां इस युद्ध की तैयारी करेंगे। और इस युद्ध पर जाने से पूर्व मैं पिता श्री महादेव की पूजा करूंगा, उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से, उन्हीं के तीर्थ स्थलों की यात्रा से हम यहां तक पहुंचने में समर्थ हुए। तो अब आगे भी विजय हमें वही दिलवाएंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु, आपका मुकुट। जीवन के बाद भी जो यज्ञ हमारे प्रियजनों के कष्ट का कारण बनेगा, उसे रोकने का उपाय हमें करना ही होगा। ये तो मात्र मेरी कल्पना थी। वहां मेरे प्रभु वहां है। प्रभु, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन प्रत्येक स्थान पर हो रहे, इसका अर्थ है युद्ध का अंत निकट है। प्रभु नहीं, मैं हूं वल्ली। आइए, आज हम एक साथ मिलकर पुष्प और बेलपत्र एकत्रित करते हैं। वो दृश्य जो बार बार मुझे दर्पण में दिखाई दिया था, कहीं वो सत्य तो नहीं होने वाला है? कहीं प्रभु के आने पर ये उनके सामने हुई? और आपका ध्यान कहाँ है देवसेना? अब समझी, आप प्रभु भक्ति में कुछ अधिक ही लीन हैं। भक्ति में लीन तो मैं सदैव रहती हूँ, किंतु आज मैं अपनी चिंता दूर करने की चिंता में। आज की पूजा समाप्त होने तक मुझे इस वन कन्या वल्ली को यहाँ से जाने के लिए कहना ही होगा। किंतु इतनी कठोर कैसे बन जाऊं मैं? कैसे कहूं इसे जाने के लिए? जाना है ना? जाना है। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें जाना है। पूजा के लिए विलंब हो रहा है। देखिए, सूर्योदय भी होने वाला है। जाना तो होगा ही, इसे जाना होगा यहाँ से दूर, और मुझे इसे भेजना होगा। वही एक उपाय है इसे मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आने से रोकने का। स्वामी, आपके अस्त्र। मेरे अस्त्र, मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र, जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदन, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी।
एक बार तो युद्ध भूमि से भाग चुका है, किंतु आज हम इसे भागने नहीं देंगे। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मैं इस भीरु असुर को अकेला ही परास्त कर दूंगा। वीर बाह, शत्रु को दुर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जब शत्रु वो हो जिसे प्रभु नारायण का सुदर्शन चक्र भी हानि ना पहुंचा सका हो। एक सहस्त्र आठ ब्रह्मांडों को हराकर विजय प्राप्त किया है हमने, और अब वैकुंठ भी हमारे अधीन होगा, हमारा राज होगा, हमारे असुर राज्य का भाग होगा। स्वीकार कीजिए नारायण, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। स्मरण कीजिए पिछली बार गजमुग ने आपका सुदर्शन चक्र विफल किया था। तो आज भी हमें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप नारायण, इसलिए पराजय स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध में पराजित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। व्यर्थ है आपका ये प्रहार नारायण। देखा, कहा था ना मैंने कि मुझे आहत नहीं कर सकता, व्यर्थ हो गया ना आपका सुदर्शन प्रहार नारायण। इतने शक्तिशाली और भयंकर असुर को पराजित करना सरल नहीं प्रभु। कदाचित नारायण द्वारा इसे सुरक्षित छोड़ने का यही कारण था कि आज यहां हमारे हाथों इसे मृत्यु का भागी बनना है। क्या हुआ देवताओं, मैं युद्ध भूमि में आ गया किंतु तुम्हारी सेना में कोई हलचल नहीं। कदाचित एक सहस्त्र आठ ब्रह्मांडों के विजेता स्वयं नारायण को पराजित करने वाले असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन को सामने देख भयभीत हो गए, कंपित हो गए हो तुम। अपने इस भक्त को अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं स्वयं को प्रभु पुकारने वाले इस दुष्ट मूर्ख असुर को इसकी वास्तविकता से परिचित करा दूं। प्रमाणित कर ही दिया तुमने कि तुम कोई देव सेनापति, कोई महान योद्धा नहीं, मात्र एक बालक हो, एक पर्वत समान योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए एक ऐसे योद्धा को भेज रहे हो जो एक कीट समान है। कौन कीट है और कौन पर्वत, ये तो अभी प्रमाणित हो जाएगा सूरपद्मन। तो मात्र तुम्हारा रथ डगमगाया है सूरपद्मन। जय श्री देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये उचित नहीं, मेरे यज्ञ में बाधा, कदापि उचित नहीं। यही सही समय है, हमें अपना कार्य करना होगा विभूति। हाँ
वीरबाहु, वीरबाहु। इस कीट को मसला ही नहीं, उड़ा के इसके प्रभु के चरणों में भेज दिया। तुमने एक मक्षिका समान योद्धा को भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। ऐसा तुझ बस, बस, बस। वीर सेनापति योद्धा का अपमान एक राजा का अपमान होता है। ये और वीर सुरा पद्मन, वीर बाहु एक वीर योद्धा है, ये सभी जानते हैं, किंतु तुम कदापि नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध एक निशस्त्र योद्धा पर पीछे से वार करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, इसका अपराध किया है तुमने, इसीलिए अब तुम एक भी और अवसर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे। भीरू होते हैं वो जो नियमों को अपनी ढाल बनाते हैं। युद्ध का एक ही नियम ज्ञात है सुरा पद्मन को, विजय, विजय, और वो भी किसी भी मूल्य पे। साहस है तो उठाओ शस्त्र, मैं भी तो देखूं कि सिर्फ बातों के ही धनी हो या युद्ध कौशल में भी निपुण। क्या हुआ, अभी भी युद्ध करने का साहस नहीं है मुझसे? भ्राता कार्तिकेय, इस असुर की चुनौती स्वीकार कर अब आप इससे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु ये रथ पर आरूढ़ है और आप देव सेनापति मात्र अपने चरणों पर, ये देवताओं के मान के विरुद्ध है। स्वामीनाथ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी रथ का निर्माण कर आपको युद्ध के लिए आगे ले चलता। आइए प्रभु। देव सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुरा पद्मन की जय। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुरा पद्मन की जय। बालक, भयंकर होगा ये दिन देवताओं के लिए, सदा स्मरण रखा जाएगा ये दिन, ये भयानक घटनाओं के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे सेनापति का हुआ है। होगा, भयंकर तो अवश्य होगा और स्मरण भी अवश्य रखा जाएगा। सुरा पद्मन सुर संहार के लिए, सुरा पद्मन के अंतिम दिवस के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में, मूर्छित हो गई ना तुम्हारी सेना, ये
ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ये यज्ञ संपन्न करना है। दीदी, अपने परिजनों की मुक्ति के लिए इस अधार्मिक यज्ञ को रोकना हमारा दायित्व है और हम इस कार्य को करने के लिए तत्पर भी हैं। किंतु क्या मात्र हम दोनों ये कार्य पूर्ण कर सकेंगी? धर्म पथ पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते बहन विभूति, और विघ्नहर्ता श्री गणेश सबके विघ्नों को दूर करते हैं, कठिनाइयों में सबका साथ भी तो देते हैं। अकेली नहीं है आप, अकेली नहीं है आप, अकेली नहीं है आप। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। आपने उचित कहा, धर्म पथ पर आने वाले सभी विघ्नों को विघ्नहर्ता गणेश मिटा ही देते हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं भी यहाँ आप दोनों का साथ देने यहाँ पहुंची हूँ। जब प्रभु गणपति ने यह संकेत दिया कि इस अधार्मिक यज्ञ के भंग होने का कारण आप दोनों ही बनेंगे, तब विश्वकर्मा जी ने कहा था, प्रभु, कार्य की सफलता उसे करने वाले के सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। माया सुरसई अति मायाविनी है, पुत्री पद्म कोमल और पुत्री विभूति सरल हृदय है। अकेले वो सुरासई को रोकने में कदाचित असमर्थ होंगी, इसलिए कृपा कर उनका सामर्थ्य बढ़ाने की दया कीजिए। विश्वकर्मा जी, प्रत्येक जीवन का उद्देश्य एक बड़ी चुनौती के साथ ही उजागर होता है, और उस चुनौती से टकराने से ही व्यक्ति के भीतर का सामर्थ्य भी जागता है। देवी पद्म कोमल और देवी विभूति के साथ भी ऐसा ही होगा, और बाहरी सामर्थ्य में उनकी सहायक देवी अजामुखी होंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे इतना महान कार्य सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जिन माता आदि शक्ति का वास हम सब नारियों में है, मैं उन्हीं माता आदि शक्ति की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं माता सुरासई का अवैदिक यज्ञ कदापि संपन्न नहीं होने दूंगी। मैं देवी पद्म कोमल और देवी विभूति की सहायक ही नहीं, उनकी शक्ति और सफलता का आधार बनूंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। अनाचार और अधर्म के विरुद्ध आज संपूर्ण नारी शक्ति यहाँ जागृत हो चुकी है। महेंद्रपुरी के प्रत्येक नारी जिसने व्यर्थ के अनैतिक और अधार्मिक युद्ध में अपने पति अपने पुत्र खोए हैं, वो सभी आज हमारे साथ है। तो अब सामर्थ्य भी है, एकता भी है, और निश्चय की दृढ़ता भी है। माता सुरसई को रोकने के लिए सभी पर्याप्त साधन है, किंतु एक समस्या है। ये यज्ञ एकमात्र देवी शक्ति के वर्तमान अवतार रोक सकती है, और वो भी तब जब दिन में रात का अंधकार हो जाए। किंतु दिन के रहते रात का अंधकार कैसे उत्पन्न करेंगे हम? विघ्नहर्ता गणेश जी ने इस विघ्न को टालने का उपाय तो पहले ही बता दिया था। काव, 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 काव। बालक, मेरा बाण अब तुम्हारे प्राण लेगा। हे
हो गए ना तुम बालक, नष्ट हो गए ना तुम्हारे बाण, और अब मैं अपने श्रेष्ठ विकार अस्त्र से तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत करूंगा। तुम्हारे इन शस्त्र विकारों के लिए तो मेरा एक धर्मास्त्र ही पर्याप्त है सुरापद्मन। उत्सव मनाएंगे, अवश्य उत्सव मनाएंगे, किंतु तुम देवता नहीं, हम असुर। जब होगी मेरी विजय, तैयार रहो बालक, अभी तो सिर्फ ये आरंभ है। अभी तक मैंने अपने वास्तविक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। सावधान! इस दुष्ट ने बवंडर अस्त्र का आवाहन किया है। और विलंब उचित नहीं। कदाचित सुरापद्मन का ये अस्त्र उसी पर भारी पड़ेगा। माता सुरा से की ये भूल कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए। धर्म का बवंडर धर्म को कभी नहीं दिखा सकता। देव सेनापति कार्तिकेय के समक्ष उनकी सेना नष्ट हो रही है, फिर वो इस बवंडर को रोक क्यों नहीं रहे? भ्राता कार्तिकेय की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। सुरापद्मन का ये बवंडर शांत ही नहीं होगा, अपितु उसका अंत भी होगा। देखो, निशस्त्र कर दिया तुम्हारे सैनिकों को बालक, नष्ट कर दिया तुम्हारी सेना को, और विवश हो गए हो तुम, और अब अंत करूंगा तुम्हारा और इस युद्ध का भी। अंत तो अवश्य होगा, किंतु अधर्म का और अधर्म करने वाले अधर्मी का।
अब ये अस्त्र जो तुमने देव सैनिकों से छीने थे वो तुम्हारे ही सैनिकों पर भारी पड़ेंगे, और तुम्हारा ये मायावी अस्त्र तुम पर सरा पद्मन। युद्ध को ही पलट दिया, अब कैसे करूं अपनी सेना का और अपना बचाओ। क्षतिग्रस्त कर दिया इस बालक ने। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। अजामुखी यहाँ त्रिशूल के साथ पद्म कोमल और विभूति भी। सभी असुर स्त्रियां द्रोह कर रही हैं मेरे साथ। ये लो बालक, रोको मेरे बाण को। इसके बाण मेरे बाणों को नष्ट तो नहीं कर देंगे। ये क्या, मेरे बाण नष्ट हो गए और देव सेना को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। इस बालक के बाण यहां तक पहुंच तो गए किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते।
ना मेरा रथ शेष है ना अस्त्र, अब अपना बचाव कैसे करूं? ये बाण तो अभी भी मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इस दुष्ट ने जो बाधा उत्पन्न की है वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर रही है। इस बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम? शक्ति दंड ही अब उपाय बनेगा। पद्म कोमल और विभूति ही नहीं अपितु आप भी माता आदि शक्ति की ही प्रतिरूप हैं। हर एक स्त्री में माता आदि शक्ति का वास होता है। माँ आदिशक्ति की जय। 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 माँ आदि शक्ति की जय। माँ आदि शक्ति की जय। माँ आदि शक्ति की जय।
ये मात्र मेरा भ्रम था, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं सुरक्षित हूँ। माया से माया को काटा है तुमने, मात्र एक मायावी बाधा को नष्ट किया है। युद्ध के सभी नियम भूल गए? देखो मैं निशस्त्र खड़ा हूं। सच्चे योद्धा ना अपना पराक्रम भूलते हैं और ना ही युद्ध के नियम। निशस्त्र हो तुम, इसीलिए अपना रथ रोका है मैंने। मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे अगले बार की, असुर सम्राट सुरपद्मन। करो आवाहन अपने अगले अस्त्र का, जिससे मैं इस युद्ध का अंत कर सकूं। हे महामायाविनी माता सुरासई, मेरी सहायता कीजिए। आपका पुत्र अपने समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर चुका है, मुझे शीघ्र कोई अत्यंत बलशाली अस्त्र प्रदान कीजिए। माँ सुनिए मेरी पुकार, मेरी सहायता कीजिए। किसी अति भयंकर मायावी अस्त्र का आवाहन कर रहा है। पुत्र सुरापद्मन, सहायता तो हम दोनों को ही चाहिए, और इसीलिए तुम्हें मेरी अंतिम आज्ञा का पालन करना होगा। आदेश दीजिए माँ। तुम्हें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा और अमदा सीता मंत्र कित्तम पर्वत को यहाँ लाना होगा, जिसके गंध से सभी मृत असुर जीवित हो उठेंगे और मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भ्राता, ये दुष्ट इतना समय मात्र एक अस्त्र के आवाहन में नहीं लगा सकता, उसके मन में अवश्य कोई अन्य कुटिल योजना पनप रही है। चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मेरी माया तुम्हारी सहायता करेगी। यही चाहिए था मुझे। गंध भी अद्भुत है, जिसकी माँ को आवश्यकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो अमदा सीता मंत्र कित्तम यही है। जिन प्रभु गणेश के मंत्र जाप से ही आपका ये यज्ञ शांत हो गया, आप उन्हीं के अग्रज प्रभु कार्तिकेय द्वारा मुक्ति प्राप्त हुए असुरों को पुनर्जीवित करना चाहती हैं? प्रभु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करना विजय के समान ही होता है माँ। अब आप विलंब मत कीजिए, रोक लीजिए इस विनाश को। मुझे विवश मत कीजिए माँ, आपके विरुद्ध जाने में।
सुरासई कोई साधारण माँ नहीं है मूर्ख, जो एक बार जन्म देकर भूल जाए। वो अपनी संतानों को कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाने देगी। यदि तुम्हें अपने प्रभु पे इतना विश्वास है तो रोक सको तो रोक लो मेरे इस यज्ञ को। सुरा पद्मन हमारे साथ, वो तो यहां युद्ध भूमि में है ही नहीं। क्योंकि वो वहां है ऊपर। अब ये कैसी कंध है? प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। ये ना तो मेरे पुत्र है और ना ही मेरे स्वामी। ये जो मृत्यु के मुख से लौटे हैं, ये वो नहीं है जिन्हें हमने खोया था। इन्होंने तो हमें पहचाना भी नहीं। जीवित होंगी अधर्म से जुड़ी सभी आसुरी शक्तियाँ, नष्ट होगी ईश्वरीय सत्ता, अलोप हो जाएगा प्रेम, दया, अहिंसा, ममता, मित्रता जैसी हर भावना। राज होगा तो मात्र आसुरी शक्तियों का ही राज होगा, अर्थात मायाविनी सुरासई का। कदाचित सुरासई का यज्ञ संपन्न हो रहा है, जिसमें सुरा पद्मन इस पर्वत से उसकी सहायता कर रहा है। भ्राता, सुरा पद्मन की शत्रुता से भी भयानक है माया सुरासई का उद्देश्य, जिस पर विजयी होना और भी कठिन है। माया सुरासई के इस उद्देश्य को समाप्त किए बिना ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। मयूर जी, चलिए मयूर जी। मेरे अवैदिक यज्ञ की शक्तियों से रक्षित है ये पर्वत, कोई भी अस्त्र इसके रहते मेरे पुत्र का अहित नहीं कर पाएगा। Yeah.
विधाता कार्तिकेय महानतम अस्त्र पाशुपतास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं, मुझे इस यज्ञ को रोकना ही होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ना ये यज्ञ कुंड रहेगा और ना ये यज्ञ संपन्न होगा। हम नष्ट करेंगे इस यज्ञ कुंड को, फिर यह धार्मिक यज्ञ पुनः आरंभ नहीं हो सकेगा। हमारी विजय का आधार ही मिटा दिया इन दुष्टों ने। अब अकेले कैसे युद्ध करूंगा मैं इस सेना से। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। अंत करूंगी तुम सभी का मैं।
ये कहीं मेरे प्राण तो नहीं लेने जा रहा है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं, मात्र माया है ये। जीवित ना लौटना पुत्र। मुझे क्षमा कीजिएगा माँ। भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए, तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है। पाप भयंकर तो अवश्य, मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्म। सुर संहार के लिए सुरापद्म के अंतिम दिवस के रूप में प्रभु क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके बल, आपकी शक्ति, आपकी दिव्यता को देख नहीं सका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं स्वयं की कैसे रक्षा करूं? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र, ना लौटना पुत्र। मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लौटूंगा। जय 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 ज
अपने अंतिम क्षणों में अपने अहंकार को त्याग कर सुरा पद्मन ने अपनी भूल स्वीकार की, प्रभु कार्तिकेय से क्षमा याचना की, उन्हें प्रणाम किया। इसलिए उसके शरीर का एक भाग जो मयूर रूप में प्रस्तुत हुआ है उसके अहंकार ही निर्मल मन का प्रतीक है, और दूसरा भाग जो मुर्ग के रूप में प्रस्तुत हुआ है वो उसके शुद्ध ज्ञान का, परमात्मा की सत्ता को स्वीकारने का प्रतीक है। आज संसार भ्राता द्वारा दिए गए क्षमादान का साक्षी ही नहीं बना, अपितु उन्होंने संसार को ये सीख भी दी है कि यदि कोई अहंकार त्याग कर अपनी भूल के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे तो वो ना केवल क्षमा का अधिकारी होता है अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति भी मिलती है और दिव्य शक्तियाँ उन्हें स्वीकार भी करती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने अहंकार पर अंकुश लगाना चाहिए और सदैव सत्य ज्ञान को अपना प्रतीक बनाकर रखना चाहिए, तभी सुख समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस महेंद्रपुरी में अभी भी कोई बचा हुआ है जिसे ये समझना शेष है। पराजय नहीं हो सकती मेरे पुत्र की, मेरी पराजय नहीं हो सकती। मुझे वरदान है मेरे पति महर्षि कश्यप का, पुत्री के नाम पर कलंक हो तुम, मेरी पराजय का कारण हो तुम। मैं नहीं माँ, आपका अहंकार और आपके बुरे कर्म ही आपकी पराजय का कारण है, किंतु अभी भी आपके खुले नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। कदाचित आपका ये भ्रम तभी भस्म होगा जब आपकी एकमात्र बची हुई संतान अर्थात मेरी आहुति दे देंगे, तभी आप प्रभु की प्रभुता का सत्य समझ सकेंगे। तो आप विलंब मत कीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। लूंगी, अवश्य लूंगी तुम्हारे प्राण, दंड दूंगी तुम्हें। अपने खड़क के प्रहार से तुम सभी को खंड खंड करूंगी मैं।